गुनहगार पर कार्रवाई फिर क्यों सियासत गरमाई। जी हां, छतरपुर में थाने पर पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने आरोपी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि बुलडोजर एक्शन संविधान के खिलाफ है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि दंगा फैलाने वालों को, दहशत फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि थाने में पथराव हुआ, पुलिस वाले घायल हुए, इस पर कांग्रेस क्यों चुप है। कुल मिलाकर छतरपुर की घटना से मध्य प्रदेश में उबाल आ गया है। सरकार कार्रवाई को जायज बता रही है तो कांग्रेस संविधान की दुहाई दे रही है, इसे संविधान के खिलाफ बता रही है। आज इसी पर करेंगे महा डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। माहौल बिगाड़ने की कोशिश, खुल गई बड़ी साजिश। हाजी शहजाद अली का जो अवैध निर्माण था, उस पर भी प्रशासन और पुलिस की टीम ने मिलकर के उस निर्माण को ध्वस्त किया। पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। एक्शन पर बवाल, कांग्रेस ने उठाए सवाल। एक मकान को दूसरे मकान को टारगेट किया, 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आर्य मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। गुनहगार पर कार्रवाई क्यों सियासत गरमाई। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हमला है, अटैक है। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। छतरपुर की घटना पर अब सियासत फुल हो गई है। गुनहगार पर कार्रवाई हुई तो कांग्रेस का प्रेम जाग गया। थाने में पथराव पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी पर करेंगे महा डिबेट। थाने पर पथराव किया, पुलिस वाले घायल हुए, ये सब कानून का उल्लंघन है, तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन कांग्रेस को कार्रवाई से ऐतराज है, आपत्ति क्यों है। महा डिबेट आज इसी पर होगी, लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल रहेगा, आरोपी पर कार्रवाई तो फिर सवाल क्यों उठा रही है कांग्रेस, संविधान की दुहाई देकर किस तरफ इशारा है कांग्रेस का। तीसरा सवाल रहेगा, क्या अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 5 साल से ये कोठी बन रही थी जिसे अब जमींदोज कर दिया गया और अब उसे अवैध निर्माण बताया गया है, इस पर भी सवाल करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता हैं मंजरी जैन जी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको तमाम मेहमान नजर आएंगे। बिलाल खान साहब हैं, कांग्रेस समर्थक है, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार है शरद जोशी जी, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। और सोहेल हाशमी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ही। और थोड़ी देर में पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहला सवाल मेरा बिलाल खान साहब आपसे ही है। जो ये छतरपुर में कार्रवाई हुई, सबने वो तस्वीरें देखी, किस तरह से एक भारी भरकम हुजूम थाने के बाहर इकट्ठा होता है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन बात बिगड़ जाती है। पथराव हुआ ये भी सबने देखा, पुलिस वाले घायल हुए ये भी सबने देखा, तो जो अब कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो असल में घटना थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिस तरीके से महंत रामगिरी ने बयान अपशब्द कहे थे, उसको लेकर आक्रोश था लोगों का। वो अपना आवेदन लेकर गए थे, FIR कराने की मांग कर रहे थे, वहाँ पथराव हुआ, गलत हुआ बिल्कुल। लेकिन ये किसने कहा, कौन से संविधान में लिखा है कि चिन्हित करके उनके घरों को तोड़ा जाएगा। जो उन लोगों ने घर बनाए उनके पूरे परिवार को अलग कर दिया, उस तो वो अलग चीज़ हो गई। जो वहाँ गाड़ियाँ थीं, जो मलबे में ऐसा मतलब जैसा आतंकवादी के घर को तोड़ते हैं ना, असल में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सियासत चल रही है ना, राजनीति, वो पूरा देश देख रहा है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से करती है। उस नकली बाबा को जेल में होना चाहिए था जिसने इस तरीके की दंगा भड़काने की हरकत की, उसको तो आज तक अरेस्ट नहीं किया। और बात करते हैं ऐसे लोगों को घर पर बुलडोजर चलाने के,
अरे ये इनकी साफ मानसिकता दिखती है, देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन अगर सबको साथ लेके चलते तो आज वो बाबा जेल के अंदर होना चाहिए था, जितने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और दंगे फैलाने की साजिश थी, बाकायदा जानबूझ के दिया गया। और आपको मालूम है जब भी कुछ ठीक होता है देश के अंदर माहौल होता है इस तरीके से, नूपुर शर्मा की तरह इस तरीके से ऐसे लोग आ जाते हैं बीच में, लेकिन ऐसे बयान देके देश में दंगे भड़काते हैं। एक बात बताइए, गलत किसी ने किया महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ एफआईआर देने पहुंचे, ठीक है वहां तक वो सही थी वो भीड़, लेकिन भीड़ जब भड़की और उसने हमला कर दिया वो तो गलत था ना, और जो गलत किया तो कार्रवाई तो होगी ही। तो कार्रवाई क्या होगी, किसी के घर दहा देंगे, किसी की गाड़ियां तोड़ देंगे? नहीं नहीं, मेरी बात सुन लीजिए मैडम, करोड़ों की आलीशान घर है जिसका भी ऐसा नहीं होता, आप कानून का में और आप बता रहे हैं वो खुद को बेकसूर। देखिए बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं करती, लगातार चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे परवेश वर्मा हो, जिस तरीके से कपिल मिश्रा हो, इन लोगों ने बयान देकर देश में दंगा भड़काने की कितनी साजिश, कितने लोग जेल में बताइए, किन लोगों पर कार्रवाई हो। लेकिन जो लोग इस तरीके से महंत अपने आप को कहते हैं, वो लोग लगातार इस तरीके की बात करके देश में दंगा भड़का रहे हैं, उनको जेल में डालने की बजाय ऐसे लोगों को चिन्हित करके वहां पर हिंदू मुसलमान की वोट बैंक की राजनीति करना, मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं योगी सरकार, इस तरीके से ये करना चाह रहे हैं, ये तो देश समझ रहा है इनकी सियासत जो इतनी गंदी होती है। नाम पहचान कपड़ा देखकर क्या आप लोगों का बुलडोजर घूमता है, कांग्रेस पूछ रही है, यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। जी जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस ये बताए कि वो जो भीड़ ज्ञापन देने गई थी उनके पास इतने सारे पत्थर कहाँ से आए, उनके पास धारदार हथियार कहाँ से आए जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए, और जो लोग इस मध्य प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने का काम करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, यहाँ के सामाजिक सौहार्द को सभी लोग जानते हैं और इसकी मिसाल दी जाती है मध्य प्रदेश की, वहाँ के शांति के माहौल को यदि भंग करने का काम किसी के द्वारा भी किया जाएगा, वो कोई भी अपराधी हो, किसी भी धर्म का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के फन को कुचलने का काम मध्य प्रदेश की सरकार बखूबी कर रही है और इसी तरीके से होता रहेगा। अगर इस तरीके देखिए, जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात एक करते हैं, अपने बच्चों को छोड़कर हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, और हम जाकर उन्हीं के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, उनके ऊपर धारदार हथियार चला रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, और आप अवैध इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर बैठे हुए हैं, और ये नगर पालिका का काम है कि अगर आपके पास परमिशन नहीं थी, आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई थी और यदि उसको तोड़ दिया गया तो इसमें आपको तकलीफ है, तो ये धर्म, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और एक विशेष वर्ग को संरक्षण देते आई, ये कांग्रेस की मानसिकता है। और जिस तरीके से ठीक है बिलाल खान साहब, यहां पर कुछ करना चाह रहे हैं आप की बात पर। मैडम तुष्टीकरण की बात तो आप ना करें, आप लोगों से क्या तवक्के जाए, जो 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जो घर वापसी की बात करते हैं, वो हमें सिखाएंगे तुष्टीकरण क्या होता है? आज पूरे देश और दुनिया को पता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, वर्ग विशेष के लिए राजनीति में क्या है वो आज आपने मध्य प्रदेश में दिखा दिया, उत्तर प्रदेश में लगातार बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, आप ये बताइए उन्हें मालूम है किस किस लोगों को, आपको भी मालूम है, लेकिन जो की खेल है आपका वो बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके से नाकामी मिली है ना, आपके हालात इस तरीके से खराब हो गए, जो इंडिया एयरलाइंस की टीम, जो हमारे राहुल गांधी अखिलेश यादव जी ने सच्चाई की बात करी, जो विकास की बात करी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करी, उसके बाद आज ये आप नौबत यहाँ तक आ रही है कि बिल्डोजर चलाने का नीति जो है ना, संविधान की धज्जियां उड़ाने की नीति कर रहे हैं आप लोग, ना संविधान को मानते ना इस देश के कानून, दो उड़ाने का काम तो 1950 सोहेल हाशमी जी जो कार्रवाई हुई, आप जो हाजी शहजाद अली है, ठीक है मंत्री जी, ठीक है हाजी शहजाद अली वीडियो जारी कर रहा है, कह रहा है कि भाई पुलिस को किसी ने मेरे खिलाफ गुमराह कर दिया, 5 साल से वो आलिशान हवेली बन रही थी और अब उसे अवैध बताकर जमींदोज कर दिया गया है, सरकार कार्रवाई को जस्टिफाइड बता रही है, कह रही है कि जो गलत करेगा कार्रवाई तो होगी, आप किस तरह से देख रहे हैं? बोल भी है कि जस्टिफाइड करेंगे हम, सरकार को किसने हक दिया जस्टिफाइड करने का, एफआईआर अगर पत्थर फेंकने की सजा कितनी है कि किसी के फेंकने की सजा कितनी है कि किसी के 5 करोड़ की बिल्डिंग को आप जमीन दोष कर दिया जाए, अगर अतिक्रमण था तो उसका भी एक प्रोसेस है मैडम। सोहेल हाशमी जी, हाजी शहजाद अली के कहने पर हजारों लोग इकट्ठा करते हैं मैडम,
हाँ इकट्ठा हुए तो मॉब इकट्ठा, प्रजातांत्रिक अधिकार है सबका किसी मुद्दे को लेकर जमा होना, नहीं अधिकार है खड़ा हुआ भी खिलाफत करना, अधिकार है अपनी मांग को उठाना, लेकिन ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जाएंगे, पुलिस वालों पर हमला किया जाएगा? अरे तो मैडम ये अधिकार किसने दिया आपको, शासन को किसने दिया कि किसी की जमीन दो, बिल्डिंग को जमीन दोस्त कर दिया जाए? ये अधिकार किसने दिया शासन को, बताइए मुझे। अगर अतिक्रमण है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मानने ने मना किया, सोहेल हाशमी, अरे अवैध निर्माण की भी प्रोसेस है मैडम, अरे अवैध निर्माण को गिराने के लिए भी मैडम प्रोसेस लगता है। जी की अवैध है, 5 साल से कोठी बंद है, जो भीड़ में 5 साल से ईंट पर ईंट रखकर वो महल खड़ा किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। मैं ना भीड़ का समर्थन करूंगा, ना ही आपके बुलडोजर चलाने का समर्थन करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ, मेरे साथ सौरभ जी भी जुड़ गए हैं, सौरभ दुबे जी बताओ पार्टिकुलर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है सोहेल हाशमी जी, आऊंगी आपके पास। शरद सर पहले आपसे छोटा सा रिएक्शन इसी पर कि क्या बुलडोजर कार्रवाई सही है? रातों रात ये एहसास होता है कि वो गलत था और कानून जो हाथ मिलेगा कार्रवाई तो होगी ही ना उस पर। देखिए निश्चित रूप से ये समय जो है अपराध को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू से अपनाई है, तो वही उत्तर प्रदेश में जो लगातार देखने को मिल रहा था कि अपराधियों को जिस प्रकार से जो है वो तुरंत कार्रवाई की जा रही थी, उनके ऊपर जो है कानून रूप से कार्रवाई की जा रही थी, उसके पश्चात जो है अगर किसी का अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण को गिराने का कार्य तो किया जाएगा, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो। अगर मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना, अगर कोई इस तरह की अपने ही प्रदेश के अंदर, अपने ही जिले के अंदर, अपने ही थाने में इस तरह की भीड़ जुटती है, उन पुलिस वालों पर जो है वो लाठी डंडे पत्थरों से जो है वो फेंक करके उनको मारने का प्रयास, तो ये इस पर क्या आपराधिक धाराएं लगाएंगी जरा बताइए आप? इस पे 302 लगेंगी, 307 लगेंगी, क्या क्या धाराएं लग सकती हैं इस पे? भाई उन पुलिस वालों को एक तरह से मारने की साजिश तो वहां पर उन्होंने की थी, अगर किसी पुलिस वाले की जान चली जाती, किसी व्यक्ति की जान, अरे अपराधी को फांसी चढ़ा दीजिए मैडम, अरे भैया अपराधी को फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन कानून, मेरी बात शांति से सुनिए आप। अगर किसी का अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण को गिराने का अधिकार सरकार के पास है, आप उसको जो है बचाने का प्रयास मत करिए, उसको राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास मत करिए। अगर वहां पर व्यक्ति के खिलाफ, व्यक्ति को फांसी नहीं चढ़ाया जा रहा है, व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, कानूनी तरीके से व्यक्ति को जो उसका अपराध उसने किया है उसको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन एक जो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण की सजा यही है कि उसको बुलडोजर से उस निर्माण को जो है ध्वस्त किया जाएगा। इसमें आप लोग जो खड़े हो जाते हैं, विशेष वर्ग नहीं, आपकी बात, हम कोई खड़े नहीं रहते, हमारा कहना है कि कानून का प्रोसेस के हिसाब से उसके कार्रवाई की जाए। देखिए ये जो बिल्डिजर नीति की बात कर रहे हैं, जब ये कहाँ चली जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर चूड़ी वाले के साथ मॉब लिंचिंग हुए, जब तो किसी का बिल्डोजर नहीं चलता, और जो दंगा भड़काने की असली साजिश थी, जो महंत अपने आप को कहता है रामगिरी, उसको घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलना चाहिए, वो अरेस्ट तक नहीं होता है। सबसे बड़ी दंगे फैलाने वाले लोगों का समर्थन ना मैं करता हूँ, भी साजिश कर रहा है, लेकिन आपको हकीकत जाननी पड़ेगी। अगर कोई दूसरा राजनीति करना है, भाजपा हमेशा यही काम करती है, यही नफरत फैलाती है, ये आपको मालूम है इस तरीके से। ये उसके बाद हाँ सोहेल हाशमी जी, मेरे कहने का मतलब ये जो रामगिरी है ये अपराधी है, अपराध किए इन्होंने किसी के धर्मगुरु के बारे में बोल के, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो हमें ये प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। एक अपराधी को वहां का मुख्यमंत्री सिंधे जी लेके साथ में घूम रहे हैं। अरे लेकिन महाराष्ट्र के, अगर आप कानून का पालन करना चाहते हैं तो बराबर महाराष्ट्र में तो चुनाव है। अरे मैडम कहीं पर भी कोई अपराध होता है। ठीक है, अब मैं आगे थोड़ा सा एक सवाल जोशी सर आपसे, क्योंकि उनको भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी शामिल कर देते हैं। सर आपका कमेंट पूरे घटनाक्रम पर।
मैडम सबसे बड़ी बात तो ये है कि छतरपुर की घटना इतनी बड़ी घटना है, लोग और राजनीतिक दल के लोग इसको सामान्य मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा की चूक हुई है। जितनी भी सरकार की सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे डीएसपी हो, सीआईडी हो, ये एजेंसियां क्या कर रही थी कि जिस दिन 21 तारीख के दिन भारत बंद का आह्वान किया गया था दोपहर में, उसके बाद 4 बजे बाद इस प्रकार से ज्ञापन देने गए लोग, और तो पुलिस को ये पता नहीं था कि ये इस प्रकार का हजूम जो है थाने की ओर जा रहा है, इनके हाथों में हथियार है, तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का जो खुफिया विभाग है उसके पास को उसको ये जानकारी नहीं थी कि ये इस प्रकार से हो रहा है। और दूसरी बात है कि साधु संत समुदाय, सारे भारत में संत समाज बना हुआ है, उसको इन साधु संतों के लिए आचार संहिता बनाना चाहिए कि उनको किस समय क्या बोलना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इस दौर में अनेक साधु संतों के जो भाषण देने के तरीके हैं या जो कहने का तरीका, उससे असंतोष पैदा हुआ है और जगह जगह विरोध का माहौल बना है। बहुत जरूरी है कि सरकार उठाए हैं जोशी सर, बहुत ही वाजिब सवाल। ये सवाल मैंने कल भी उठाया था कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। संदेश कार्ड सर्कुलेट हो जाते हैं पूरे समुदाय में, कहां था इंटेलिजेंस? क्यों नहीं इस बात की खबर थी कि लोग इकट्ठा किए जा रहे हैं? वो घटना और बड़ी हो सकती थी, क्यों नहीं थी पहले से ही इसको लेकर लोकल इनपुट? ये बहुत बड़ा फेलियर था मंजरी जी। देखिए अपर्णा जी, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, ये बात तो सच है, लेकिन देखिए जब कोई व्यक्ति ज्ञापन देने के नाम से थाने जा रहा है तो आदमी यही सोचता है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अंदर अंदर उनकी क्या तैयारी चल रही थी ये वास्तव में ये समझ से परे थी। और वो इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और जी, भीड़ में तो कोई भी सकता है, चाकू मार सकता है, पत्थर फेंक सकता है, इस बात का एहसास तो हम सबको होता है ना कि भीड़ में कौन छुपकर बनकर आया है वो नहीं जानता कोई। भीड़ इकट्ठा की जा रही थी अपने आप में ही ये बहुत बड़ा अपराध था। पुलिस के ऊपर, थाने के ऊपर ये बहुत बड़ा अपराध है, थाने के ऊपर बिल्कुल अपराध है जो पुलिसकर्मी रक्षा करने के लिए होते हैं। खासतौर पर वो दिन चुना गया जब भारत बंद था, मालूम होता कि पुलिस फोर्स को अलग जगह डिप्लॉय किया जाएगा। सौरभ जी देखिए, आप कह रहे हैं कि भीड़ पे जो है, भीड़ के अंदर कोई भी हो सकता है, मेरा कहना है कि भीड़ पे जाना, लोगों का वहां पर जाना, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही वो भीड़ अगर आपराधिक गतिविधियों में पाई जाती है, उस अपराध को अपराध माना जाएगा। अब अगर आप कहेंगे कि अब भीड़ को रोक दिया जाए तो फिर यही लोग चिल्लाएंगे कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र में अधिकार ज्ञापन देने का भी अधिकार नहीं है। जब वो भीड़ हमला करने का प्रयास कर रही है तब तो वो आपराधिक छवि में पाई गई ना, तब तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और उसका जो सरगना निकल रहा है वो ये ऐसा व्यक्ति निकल रहा है जो तमाम तरीके के अवैध कार्य कर रहा है। भाई ऐसे जब पता चलता है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से उसने निर्माण कर रखा है, अवैध कार्य में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसे सरगना के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जनता के हित में है ये कार्रवाई। कल को आप जो है कोई संदेश देना चाहेंगे, अगर मान लीजिए अगर सबसे पहले अपराधी पर कार्रवाई नहीं होती है तो जनता को क्या मैसेज जाएगा? जनता को संदेश जाएगा कि कोई भी भीड़ घुस जाए थाने के अंदर, किसी प्रकार का भी अपराध करके आप बच सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की तरफ से मध्य प्रदेश का शासन है जो आपको मालूम है, एक मॉब जब भी आता है, जब लगातार मॉब लिंचिंग होती है, किस तरीके से मॉब आता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, पहले तो मारा हजारों के नाम पे मार दिया, उस मॉब पे कब कार्रवाई होगी? ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। अब ये मॉब नजर आता है कि ये एक बुलडोजर कार्रवाई जो है समुदाय से आता है, तो आपको जायज आपको नहीं लगता ऐसे लोगों का बुलडोजर चलाना? बुलडोजर ऐसे लोग बदमाशों के यहाँ जो गुंडे अपराधी हैं जो आपने छोड़ रखे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय के लोगों पर चलेगा, उसी के नाम पे राजनीति करनी है। हमारा ऐसा कुछ कहना है कांग्रेस लगातार वो चला है, लेकिन कानून तौर पर चला है, नोटिस दिया गया मुझे याद है। अरे तो आप इनको विकास दोबे से मतलब आप ये बताइए मतलब क्या कर रही है? विकास दोबे ने कोने के पुलिस को मारा था, 15 पुलिस वाले को मारा था मैडम। तो यहाँ इंतजार होता है कि 15 पुलिस वालों को मारने का, यहाँ नहीं, यहाँ तो पथराव की बात हो रही है, इकट्ठा किया जैसे इकट्ठा किया, एग्जाम्पल सेट नहीं बैठता है। विकास दुबे अपराधी था, मैं कह रही हूँ बुलडोजर की कार्रवाई तो हर किसी के यहाँ होती है, ऐसी बात नहीं है, हम अतीत की बात नहीं कर रहे, हम उस दूसरे जो अपराधी थे उनकी बात की कार्रवाई यही होती है। मंत्री जी सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है, एक मिनट शांत हो जाइए सब। मंजरी जी सवाल तो ये भी उठता ना कि 5 साल से वो आलिशान महल तैयार हो रहा था, 5 साल से कहां था आपका प्रशासन जो नहीं जान पाया कि यहां पर अवैध निर्माण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है? एक घटना का इंतजार था क्या ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो इलीगली बनाई जा रही है बिल्डिंग? अपर्णा जी,
कई बार लोग करते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट की परमिशन ले लेते हैं और 5000 स्क्वायर फीट में निर्माण कर लेते हैं, लेकिन जब उसकी जांच होती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। जब ये बिल्डिंग बनाई गई होगी तो इसका कुछ स्क्वायर फीट का मुझे लगता है शायद, जैसा कि ये बता रहे थे कि उसकी परमिशन ली गई है, तो जितनी स्क्वायर फीट की ली गई होगी उतने से ज्यादा किया गया होगा। जब अपराध होता है, जब आपको पता चलता है, और अगर अपराध किया है और यदि जमींदोज की गई बिल्डिंग, तो देखिए कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया गया है उन आम जनता के लिए कि आप पुलिस जो इस मध्य प्रदेश के अंदर जनता सेफ है, यदि इस तरीके का कोई अपराध करता है, इस तरीके के कोई मध्य प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो उसका फन कुचल दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पक्ष का हो, किसी भी वर्ग का हो। ये तो कांग्रेस है जो गुंडों को पालती थी और गुंडों को पाला, क्योंकि ये कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष है शहजाद। तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस जो है वो हमेशा से गुंडों को पालती रही, और देखिए इसीलिए आज वो उसकी पैरवी भी कर रहा है। तो ये कांग्रेस की मानसिकता में शामिल है, ये इनका चरित्र है कि हमेशा से ये वर्ग विशेष की राजनीति करते आए और गुंडों को पालते आए। आज मध्य प्रदेश के अंदर इस तरीके की वैमनस्यता फैलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है और उस षड्यंत्र का ये हिस्सा है। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है इस पर, उमंग सिंघार, जीतू पटवारी क्यों नहीं बात कर रहे हैं इस पर, बिलाल साहब यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बिलाल बताइए। ये कह रही हैं अपराधियों को पालने कांग्रेस, और आपको मालूम है जिस तरीके से आप जानबूझ कर रही हैं, वो सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी का नकाब खुल चुका है। ये कोई देश के प्रधानमंत्री पीछे से बात करते हैं ऐसे नहीं करते, सबका साथ सबका विकास होता तो आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी में एक महिला की बात करते हैं, महिला एमएलए बताइए, एक मंत्री बताइए, प्रधानमंत्री बताइए, नहीं कुछ भी बोलते हैं आप लोग जो है, आप भी डूबे जी सुन लीजिए, आपको खुद पता, आपको नकाब पता है, आप मुझे मत सिखाइए, सुन लीजिए पहले एक मिनट, सुनने नहीं भाई साहब सुन लीजिए, आपको नहीं मालूम है किस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी घटना होती रही, बॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है, उसने अपराध के नाम पे मार देगा, हिंदू मुसलमान के नाम पे मार देगा, अपराधी का मकान निकलती तोड़ने का आपको अधिकार नहीं है, कांग्रेस आपने अपराधी का मकान किस कारण से तोड़ा वो बताइए, होने वाली है दो आता है कि नहीं आता है, नीतीश कुमार आप बताइए क्या उसने कोई पुल बसाने वाला काम किया है, क्या पुल बसाने वाला देश के प्रधानमंत्री जो पहले लाल भाई किसी अपराधी के, आज वो ये नहीं कहते आप सब अपनी बात कर रहे हैं, अपराधी को सपोर्ट कर रहे हैं आप, भी कहीं ना कहीं अपराधी है। ठीक है ठीक है ठीक है, अपराधी को आप उस पर सवाल करिए ना, पुलिस मेरा कहना है अपराधी ने किया है जो भी किया है, आप आईपीसी के तहत उसको अंदर कीजिए, लेकिन उसका मकान आप किस कानून के तहत तोड़ रही है जरा ये बीजेपी के प्रवक्ता मुझे बता दे, उसके मकान से ठीक है आपको बहुत प्यार आ रहा है, उनके मकान से वो अवैध निर्माण है उससे आपको प्यार है, अरे मुझे कानून से प्यार है, मुझे नहीं खड़ी होती है वो कोई यहां पर तो रह भी नहीं रहा था, बड़ी बात तो ये है चश्मा हटाकर हम सभी को देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी की मां डिबेट पे समय देने के लिए, कि बड़ा सवाल ये है कि सरकार कह रही है कि देखिए कानून को हाथ मिलेंगे तो कार्रवाई होगी ही होगी, और अभी इसी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के अंदर दो फाड़ दिखाई दे रही है। एमपी की मां डिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।